नमस्कार, आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो और मैं हूं अनंत भट्ट। चुनाव में उम्मीदवार के पक्ष में हवा कैसी है इस बात का अंदाजा लगाया जाता है उसकी रैलियों में जुटने वाली भीड़ से। लेकिन क्या आपको पता है इस भीड़ के पीछे का सच क्या होता है? आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। रैलियों में नेताओं के साथ जुड़ने वाली इस भीड़ की सच्चाई क्या है? कौन है ये लोग जो अपना काम धंधा छोड़कर पूरे दिन नेताओं के पीछे पीछे चलते हैं? कहां से आते हैं ये लोग? अक्सर देखा गया है कि ऐसी भीड़ को उम्मीदवार का नाम और पार्टी तक का नाम पता नहीं होता। पार्टी की विचारधारा तो बहुत दूर की बात है। ऐसी भीड़ को इकट्ठा करना है तो बस एक ही चीज चाहिए, पैसा। मिलिए फारूक से, जिसे आज तक की टीम ने पहले फोन पर बात की और कहा कि हमें मलाट के एक निर्दलीय उम्मीदवार के लिए भीड़ जुटानी है। फारूक ने हमसे थोड़ी डिटेल ली और हमें शाम को मिलने के लिए बुला लिया। इसके बाद हम फारूक के बताए पते पर बांद्रा के एक मॉल में पहुंचे, जहां उसकी कपड़ों की दुकान भी थी। मैं एक ही चीज बता रहा हूं तुमको, अपना कोई पार्टी वार्टी का है नहीं तो अपन उतना फंडिंग क्या बोल रहे थे? चालीस तो नहीं है भाई, चालीस ही क्या? चालीस पचास जो ऊपर नीचे हो जाएंगे अपने जो कांटेक्ट में है, जिसके पास बाइक है, लेडीज भी चली गई। लेडीज तो भाई मेन चाहिए अपने को। अपनी कार में क्या? अरे नहीं भाई, उनको बताया ना पहले। पठानवाड़ी, पठानवाड़ी एरिया में अपन घूम लेंगे। अपन हाईवे से शुरू करके बड़ी मस्जिद तक जाएंगे अप्पावाड़ी एरिया में। कभी फ्राइडे की थी? फ्राइडे दोपहर में रखो या शाम में रखो, कोई भी एक टाइम जैसा, दोपहर में रहना तो भी चले, शाम में ही चले। सब लेडीज आगे बढ़ो, चलो फटाफट आगे बढ़ो। अंजुम, सब लेडीज के हाथ में बैनर दो, सब आगे बढ़ो। मॉर्निंग से कर रही है और एक शाम पे जुम्मा की, हम लोग की भी रैली, हम लोग की बड़ी रैली फ्राइडे के लिए। हाँ नहीं नहीं, हम ये शाम में रहेगी कि हम लोग का 3 बजे का, तो आप 7 बजे का कुछ कर सकते हैं क्या? 7:30 मैं आपको लेडीज दे सकती हूँ, हम लोग नहीं आएंगे। आप थोड़ा और मैं नहीं आ सकती ना, क्योंकि मैं मेन हूँ यहाँ पर, हम लोग नहीं आ सकते, हम लोग दो मेन हैं यहाँ पर। 11 बजे का रखो, ऐसा सुबह 11 बजे का, 11 से अगर दो रखते तो मैं आ सकती हूँ। लेडीज में आपको दे दूंगी, अगर सुबह का रखते हो तो मैं आ जाऊँगी। कौन सी पार्टी से आपको ये पार्टी से ट्राई किए थे लेकिन वो रियाज अहमद उनको मिला नहीं। अगर आप लोग मॉर्निंग का रखते हो तो मॉर्निंग में हमारा पूरा ग्रुप आ जाएगा। कितने लोग आ सकते हैं? जितने आप बोलो, 40, 50, 60, 100, 150, जितनी लेडीज चाहिए। क्या बात है, जितनी लेडीज लेडी चाहिए। हमारी छोटी रैली थी, परसों दिन हमारी बड़ी रैली आके देखी। उम्मीदवारों को रैलियों के लिए भीड़ इकट्ठी करने वालों में इस महिला का नाम भी है, जिसे लोग आपा के नाम से जानते हैं। हमने आपा को फोन किया तो उसने हमें एक रैली में बुला लिया। आपा के मुताबिक इस रैली के लिए महिलाओं की भीड़ उसी ने इकट्ठी की है। इलेक्शन कैंपेन में लोगों को बुलाया जाता है, उनको पैसा देके जमा कराया जाता है। हमारे स्टिंग ऑपरेशन में पाया कि हर कैंपेन का एक रेड कार्ड बंधा हुआ है। मुंबई से सौरभ वक्तानिया, दिव्येश सिंह और मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। और हर सेवा का रेट कार्ड तैयार हो जाता है। इन रैलियों में शामिल होने वाले लोग गरीब तबके के होते हैं, जो थोड़े पैसों और खाने के लिए उम्मीदवार के साथ जहां जाने को कहा जाए चल देते हैं। प्रचार के समय महिलाओं की बड़ी मांग रहती है, नेता के पीछे चलने वाली भीड़ का काम ज्यादातर उसके लिए नारे लगाना और बैनर वगैरह पकड़कर चलना होता है। नोटबंदी के बाद से देश में कैश की कमी चल रही है, लेकिन चुनावों में ये कमी देखने को नहीं मिल रही। रैलियों में शामिल होने के लिए पैसे टाइम के हिसाब से मिलते हैं, जितना ज्यादा समय लगेगा दाम उतने ही ज्यादा होंगे। तो भाई एक का कितने तक पड़ेगा अपने को? वो तो बोला कि 1000 रुपए तक हो जाएगा भाई एक का। 1000? बाकी वो कुछ रेट चल रहा है कि 1000 ही है? 1000 ही चल रहा है। चल गए, अभी यही टाइम है, पब्लिक को ज्यादा होंगे, कोई भी सोचता है कि भाई जितना वो मिले उतने में जाओ। फिर भी उससे मैं रात में बात करूंगा, अगर ये भाई बोलते हैं तो इनसे भी बात कर लेंगे, थोड़े इनसे थोड़े उनसे करके अपना काम हो जाएगा।
मेरे को लेकिन ऐसा लग रहा ना यार कि अपन 25-30 भी रखे ना, मतलब 20-25 हो गए ना तो बहुत हो गए। अपने को 40-50 का आंकड़ा लेके नहीं चलने का, वो तो भाई बड़े बड़े लोग करना पड़ेगा ना सबको। मेंटेन क्या बोल रहे, हो जाएगा बोल रहा हूँ। 25-30 भी चलेगा भाई, चलेगा 20-25 भी बहुत हो गया भाई। कल शाम तक फाइनल जवाब दो तुम्हारे को। अभी मैं रात में जाके मीटिंग करेंगे हम लोग, कौन कौन है उसकी लिस्ट बनाएंगे, कौन कौन आने वाले लेडीज, 15 लेडीज, बाकी लेडीज भी रहेंगे, जेंट्स भी रहेंगे, टोटल रहेंगे ना भाई तो भी सही 40 तक। क्या बोलते हो दानिश, कौन सा वो तो लोकल तो चालू है जो तुमसे बात कराया ना मेरी। दानिश मैं क्या बोल रहा हूँ, 20-25 कराते बहुत हो गया, और बाकी उनको क्या क्या देना पड़ेगा अपने को वो बता दो। वो पैसे की बात तो अपन, पैसे का तो मेन है, बाकी तो फिर देखो कैसा थोड़ा दे रहे, नाश्ता वास्ता देंगे बस, नाश्ता पानी अपन दे दिए ठीक है ना, पानी भी हो जाए टेंशन नहीं, पानी और नाश्ता थोड़ा सा बस, बड़ा पौड़ा पा भी रहेगा तो वो तो अपन कर लेंगे, उतना कोई ज्यादा कुछ नहीं है। रैली में लोगों की भीड़ के लिए दलाल 400 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक मांग रहे हैं, जिसमें ये अपना कमीशन भी निकालते हैं। आपको एनी टाइम आपको जब भी जरूरत पड़ेगी कि इतनी लेडीज चाहिए या इतनी जेंट्स चाहिए, हम लोग आप मुझे कॉल कर रहे हैं। ठीक है, और कितने के हिसाब से आप रख सकते हैं वैसा कुछ अंदाज से पता चले तो अपन। हम लोगों का ना सुबह 10 बजे से हम लोग की जो लेडीज निकलती है ना, तो हम लोग रात में 9-9:30 बजे तक हम लोग का रहता है ना पूरा दिन, तो उसमें खाना पीना खाना पीना तो मोस्टली ज्यादातर लेडीज लोग अपने अपने घर पे चले जाते हैं, बाकी अगर रीत यहाँ के हिसाब से वो है। स्नैक्स में क्या रखना है, क्या रखना है, ये कुछ भी कबाब पाव है, वड़ा पाव है, लाइक अगर हम लोग उसको हैवी खाना खिलाएंगे तो हमारे साथ में वैसा काम तो नहीं कर सकते। बराबर। उल्लासनगर में अनिल बावस्कर नाम का ये शख्स खुद को एक राजनीतिक दल का नेता बताता है, लेकिन ये किसी भी पार्टी के उम्मीदवार के लिए भीड़ जुटाने को तैयार है, बस दाम सही मिलना चाहिए। नोटबंदी की वजह से 2000 का नोट आ गया, पहले 1000 का नोट था, उससे कुछ रेट बढ़ गया है। पता रहा मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, तो कोई अभी छुट्टी कर नहीं सकता है क्योंकि सब नॉर्मल जिंदगी जीने वाले, मतलब भाड़े घरों में बच्चे ज़्यादा है और कुछ सर्विस या पगार वजह से कुछ कम है। तो पहले टाइम पे जब पहला रैली निकाला था, मैं नाम नहीं लूँगा, 400 रुपये रोज चला हर औरत को, औरत लोग ने भाई सोचा भाई 500 रुपये महीना कमाने से अच्छा एक दिन 400 में मिल रहा है वो भी 1 घंटे के अंदर, तो 400 रुपये रोज पहले चला। हमसे बातचीत के दौरान इसे एक फोन आया, बाद में ये नेता अपनी बात से पलट गया, जबकि कुछ देर पहले ही इसने पूरी डिटेल में हमसे रेट कार्ड पर बात की थी। धंधा बिल्कुल साफ है, कैंडिडेट के प्रचार में हर गुजरे हुए वक्त के लिए लोग पैसे लेते हैं। सवाल ये है क्या इस तरह के सौदे चुनाव आयोग की नज़र में आते हैं या इनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। मुंबई से सौरभ वक्तानिया, मुस्तफ़ा शेख के साथ दिवेश सिंह, आज तक।